الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على الإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المطهرين المنورين صلوات الله عليهم أجمعين وعلى الله على أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم آپ کے مذہب شیعہ کے بہت بڑے عالم ہیں حضرت علامہ سید حسین
حسین بابا جردی قوم مقدس سمجھتے تھے آخر کے سینکڑوں کی خبر ہے. انہوں نے اپنے زمانے میں تفسیر لکھی تھی جس کا نام ہے صراط المستقیم. انہوں نے بات لکھی ہے میرا زندگی میری بچے نہ ہوتے تو وہ اس کی خبر پر زندگی گزار دیتے. وہ کہتے ہیں اللہ شیطان سے آدم کی وجہ سے خفا نہیں ہوا, ہاتھوں کی وجہ سے. انہوں نے کہا کہ جو انسان
नबूवत समाप्त है तो सुनने की ताकत है, इसका ताल्लुक तौहीद के साथ है। बार बार कह कह के थक गए। ओए अली की विलायत का ऐलान अल्लाह
फरमाया है किया मुस्तफा ने है, मैं काफिर क्यों हूं? दोनों बड़े भाई हैं, तो भी हमारा सल्ला सलाम है।
आपके अकीदे की वकालत की है। मैंने दुनिया के मजाहिब पढ़े भी हैं, देखे भी हैं, वह मजहब मैंने जनाब का देखा है सिर्फ शीन का, जो एक काम करते हैं बाकी कोई दुनिया में मजहब नहीं करता, वो काम सिर्फ आप करते हैं। कौन सा? अपने मरने वाले के कांधे पकड़कर ये मुस्तहबात है, ये वाजिबात है, ये
روزے کس پر آتا ہے، حج کے یہ ارکان ہے، زکات کے یہ ارکان ہے، کچھ بھی نہیں سمجھا رہے ہو، اس کے جانتے ہلا ہلا کر کہتے ہو غور سے سن، علی تیرا پہلا امام ہے،
नमाज पढ़ा करो, पढ़ते आपने जिंदा नमाज पढ़ा करो, जब सब नमाज किया हो उस दिन नमाज खुश हो जाती है, जब जनाब पढ़ते हैं शुक्र है किसी अली वाले ने पढ़ा है। और जहां भी अल्लाह ने इबादत का हुक्म दिया दिए या पढ़ो या अय्युल्लज़ीना आमनू या अय्युल्लज़ीना आमनू या अय्युल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों, ऐ ईमान वालों, ऐ ईमान वालों। ईमान वाला वही होता है जिसके दिल में ईमान हो। अब जाफर क्या करें, ईमान नाम ही अली का है। नमाज का ताल्लुक जिस्म के साथ है, रोजे का ताल्लुक जिस्म के साथ है। यही तो वजह है कि जब सफर में जाओ तो चार पांच की बजाय दो पढ़ो। सफर में जिस्म में नकाहत होती है, थकावट होती है, अल्लाह ने कहा दो पढ़ दो माफ। सफर में तो रोजा नहीं है, बाद में रखो, क्योंकि सफर में कमजोरी होती है जिस्म में, अल्लाह ने कहा बाद में रखो। ये तो मैंने किसी किताब में नहीं पढ़ा, दाद नहीं दोगे और क्या करोगे कि जब तुम सफर में जाओ तो एक दिन अली को मानो एक दिन ना मानो।
بالکل آج ہے جو کہ تعلق روح کے ساتھ ہے علی کا فرمایا کہ ایسے ہے کہ اللہ کرے نہ کرے ہمارے محب کے گھر ہمارا دشمن پیدا ہو جائے تو یہ زندہ سے مردہ پیدا ہو جائے گا ہمارے دشمن کے گھر ہمارا محب پیدا ہو جائے یہ مردہ سے زندہ پیدا ہو جائے میں نے کسی کے ابا کا نوکر ہوں نہ میں کسی کے باپ کا پیا کھاتا ہوں میں آگے تو ہے حق کا ہے اس سے کیسے منہ پھیرے گے
عربیہ میں کافر ہوتا ہے, مذہب کافریہ کی بات کر رہا ہوں. علی نے اپنی فقیر نمبر بیٹھ کہا تمہیں والو آدم سے ہوا ملانے والا میں علی ہوں.
मतलब तुम्हारे रोटियां थी कितनी, तुमने कितनी रोटियां खाई थी जिंदगी में, तो पानी के गिलास नहीं तुमने खुदा, एक ही सवाल है। इसका जवाब पक्का कर देना, बाकी सबको माफ कर सकता है, अली के दुश्मन को माफ नहीं कर सकता। और इसी अली की विलायत के लिए वो बाजारों में चली, इसके कान से उसके भाई भी बात कर रहे थे। अल्लाह अकबर, कितने अच्छे लगे हैं जिनकी है निकल ही गई है, कितने राजी है आप पे अली की गली बेटी, तब तक से ज्यादा राजी ना हो है निकलती नहीं है। मैं सबकी हो जाऊ, मैं नौकर हो गया, सलाम है उस चेहरे पर जिस पर उदासी भी छा गई। 10 लाख का भी मजमा हो ना, आप हमें सुन ले आते, लेकिन जो शाम वाली है वो हमें सुनने नहीं आते, वो जनाब को सुनने कर ले आते। ये जो है करते हो ना, ये है जनाब आलिया सुनने, ये है जनाब ज़ैनब के जख्मों का इलाज है। इसलिए आप तशरीफ फरमा है मजलिस में, हमारा अकीदा नहीं, हजरत अल्लामा सैयद मोहम्मद जाफर सुस्तमी ने लिखा है, हर मजलिस में अली की रस्मी बेटी तशरीफ फरमा होते हैं। अल्लाह ताला